जय हिंद दोस्तों। दोस्तों इस वीडियो में आपको जगुआर के डायवर्टर के बारे में मालूम मिलेगी, इसलिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले हम जगुआर के डायवर्टर क्या होते हैं आपको दिखलाएंगे, इसलिए हमने जगुआर का डायवर्टर लेकर आए। सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे डायवर्टर के बॉक्स की। देखो इस तरह से जगुआर का बॉक्स आता है, पैकिंग आती है जगुआर की। देखो इस तरह से इसको निकालना है। देखो इस टाइप का जगुआर का डाइवर्टर है, ये सिंगल लीवर डाइवर्टर है। और ये इसको डाइवर्टर की कंसील बॉडी कहते हैं। ये जो आप देख रहे हैं डाइवर्टर, ये डाइवर्टर की कंसील बॉडी है। इसके अपवर्ड पार्ट भी आते हैं, उसको वो आपको अगले वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। वो टाइल से बैठने के बाद लगते हैं। ये देखो दोस्तों, ये जगुआर का डाइवर्टर है, इस तरीके का डाइवर्टर रहता है। आपको एक और भी काट कर दिखलाएंगे आगे वीडियो में, इसलिए वीडियो में बने रहिए, वीडियो को आखिर तक देखिए। ये एम्प्टी है दोस्तों, ये ब्रास एम्प्टी है। ब्रास एम्प्टी इस तरह के होते हैं, सीपीयू से है ये। ब्रास एम्प्टी है, इनको इन पानी के जरिए से टाइट करना है। टाइट करने के लिए इन पानों का इस्तेमाल करना है, पाइप रेंज और राघु पकड़ का। अच्छी तरीके से टेपनॉल टेप लगाना है, ये जो लगा रही है टेपनॉल टेप है, अच्छी तरीके से लगाना है इसको। लगाने में कोई सुस्त नहीं करना है, टेपनॉल टेप लगाने में कोई सुस्त नहीं करना है, अच्छी तरीके से लगाना है। देखो सोल्यूशन, टेपनॉल टेप के ऊपर थोड़ा सा सोल्यूशन लगाना है। सोल्यूशन इसलिए लगाना है कि जो एमटीए के थ्रेड है वो इजीली अंदर जाएंगे, इसलिए सोल्यूशन लगाकर अच्छी तरह से फिट करना है। दोस्तों ये जो डाइवर्टर है कंसील होने वाला है, अभी दीवार के अंदर कंसील होगा, टाइल्स इसके ऊपर टाइल्स बैठेगी, इसलिए इसको क्या करना है, अच्छी तरीके से पानी से फिट कर टाइट करके लेना है। अपने पास जो भी पाना है, पाइप रेंज है या एडजस्टेबल या पो राघु पाना, जो भी पाना है उसको अच्छी तरह से फिट करना है। जब तक हम डाइवर्टर फिट कर रहे हैं तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो भी अपने प्लम्बर भाई हैं उन तक इस वीडियो को पहुंचाने की कोशिश करें। दोस्तों इस वीडियो में आपको डाइवर्टर की सिर्फ मालूम दी जा रही है, अगली वीडियो में आपको डाइवर्टर कैसे फिट करना है, उसकी पाइपिंग कैसे करनी है, इसकी पूरी पूरी जानकारी मिलेगी। इसलिए हमारा जो दूसरा वीडियो आने वाला है, सेकंड जो वीडियो आने वाला है, वो भी देखिए, तभी आपको ये समझ में आएगा। ये देखो अभी हमने टाइट कर कर लिया है डाइवर्टर। देखो इसके अंदर की कंसील बॉडी इस तरह की रहती है, कवर हटाने के बाद ये इस तरह से दिखता है। दोस्तों यहाँ पे जो सी लिखा है, सी यानी कोल्ड, यानी कोल्ड की जो हमारी पाइप है यहाँ पे सी पर लाकर जोड़ना है, और एच माने हॉट, एच यानी गीजर की या सोलर की लाइन लाकर जोड़ना है इसको हॉट वायर पर। और जो आप नीचे देख रहे हैं एसपीटी लिखा हुआ है, एसपीटी यानी स्पाउट, वहाँ पे स्पाउट को पॉइंट देना है। और एसएचआर यानी शावर, वो जो पॉइंट है शावर को देना है। ओके।